हेलो एवरीवन, मेरा नाम शौर्य कांसा हुए और आज मैं आपको बताऊंगा बैडमिंटन फुटवर्क के बारे में। तो गाइस, सबसे पहली बात, आपको बैडमिंटन कोर्ट में भागना नहीं है। एक दो रैली होती है जैसे स्मैश एंड टैप, उसमें आपको भाग के लेना पड़ता है। तो गाइस, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जब मैंने बैडमिंटन खेलना स्टार्ट किया था, इवन मैं खुद बैडमिंटन कोर्ट में भागता था और हम में से बहुत लोग भागते होंगे, लेकिन जब फुटवर्क प्रैक्टिस स्टार्ट किया तो काफ़ी बेहतर मेरा फुटवर्क होने लगा बैडमिंटन कोर्ट में। तो गाइस, बैडमिंटन फुटवर्क इंपॉर्टेंट क्यों है? तो जैसे कि आपको पता है, जो शटल का मूवमेंट है वो काफ़ी फास्ट होता है इधर से उधर, तो उसके कारण हमें भी काफ़ी फास्ट मूवमेंट करना पड़ता है। तो बैडमिंटन फुटवर्क हेल्प करता है आपको, बहुत जल्दी आप शटल रिसीव करोगे, वो भी आप बहुत कम समय में। तो गाइज, आज मैं इस वीडियो में पूरा बेसिक से बताऊंगा बैडमिंटन फुटवर्क के बारे में, एंड तीन चार एक्सरसाइज या ड्रिल्स बताऊंगा जिससे आपका बैडमिंटन फुटवर्क इंप्रूव होगा। सो गाइज, यहाँ पे एक बात याद रखना, अगर आप एक राइट हैंडेड प्लेयर हो तो आपको राइट पैर आगे बढ़ाना है जब भी आप शटल हिट करोगे, और अगर आप एक लेफ्ट हैंडेड प्लेयर हो तो लेफ्ट पैर आगे बढ़ाओगे जब भी आप शटल हिट करोगे। तो गाइज, फुटवर्क स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सेंटर में आना है। सेंटर से थोड़ा आगे भी रहोगे तो भी चलेगा, ठीक है। सेंटर में आने के बाद आपको यहाँ क्या करना है, स्प्लिट करना है, ठीक है। ये मैंने स्प्लिट किया, और जैसे कि मैं एक राइट हैंडेड प्लेयर हूँ तो क्या करना है, उसके बाद मेरे को अपना राइट पैर आगे बढ़ाना है, फिर लेफ्ट देन राइट, ठीक है। फिर मेरे को इस तरह पीछे आना है। ये मैं आपको एक बार और करके बताता हूँ, ठीक है। ये मैंने स्प्लिट किया, राइट लेफ्ट देन राइट, ठीक है। फिर आपको इस कॉर्नर में जाने के लिए, बैक हैंड फ्रंट कॉर्नर में जाने के लिए क्या करना है, फिर आपको सेंटर में आना है, फिर स्प्लिट करना है, फिर राइट लेफ्ट राइट, फिर आपको नॉर्मल पीछे, फिर आपको एक बार और बता दे रहा हूँ, राइट लेफ्ट एंड राइट। तो गाइज, अब मैं आपको ये दोनों साइड फुटवर्क के बारे में बताऊंगा। तो गाइज, ये बेसिकली तब यूज़ करते हैं जब आपका अपोनेंट स्मैश मारता है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, सेम आपको सेंटर में आना है, स्प्लिट करना है इधर जाने के लिए, ये ठीक है। फिर से ये स्प्लिट किया इधर, अब बैक हैंड साइड जाने के लिए जब आपका स्मैश इधर मारा आपको आपका अपोनेंट, तो आपको क्या करना है, स्प्लिट करके ये करना, ठीक है। स्प्लिट करके राइट पैर मेरा ऐसे आएगा। तो गाइज, यहाँ आपको दो वेरिएशन देखने को मिल जाएगा, एक तो जो मैं आपको बताया, दूसरा क्या है, स्प्लिट करके ये, जब शटल आपके जो पास में आ रही है आपको इस तरह करना है, ठीक है, ये। सो गाइस, अब मैं आपको पीछे के दो कॉर्नर बताता हूँ। इसमें भी आपको सबसे पहले क्या करना है, स्प्लिट करना है, आपको अपने लेफ्ट पैर से पुश करना है इधर, ठीक है। तो ये, फिर आपको ये पैटर्न में आना है, ठीक है, ये, फिर आपको नॉर्मल सेंटर में आना है। फिर गाइस, इधर जाने के लिए क्या करना है, आपको राइट पैर से पुश करना है, ठीक है। ये करके राइट पैर से पीछे पुश करूँगा, फिर जो लेफ्ट पैर है वो ऐसे टर्न हुआ जैसे कि आप देख सकते हैं, उसके बाद फिर लेफ्ट पैर से हल्का सा जंप लूँगा, ठीक है। तो गाइस, ये जंप जितना ज़्यादा लोगे उतना ज़्यादा आप पीछे जाओगे। तो ये लिया मैं राइट, फिर आपको ये सीज़र जंप करना है, ठीक है। तो गाइस, जो ये मैं कर रहा हूँ, ये जो टर्न बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं सीज़र जंप, ठीक है। एक बार और करके बता देता हूँ, फिर आपको नॉर्मली सेंटर में आना है। तो गाइस, फोर एंड बैक कॉर्नर के दो वेरिएशन होते हैं, एक तो जो मैं आपको बता चुका हूँ, दूसरे में क्या होता है, सेम जो सीजर जंप करें हमें वहाँ जाके सीजर जंप करना पड़ता है, ठीक है। तो मैं आपको करके बताता हूँ, ये मैंने स्प्लिट करा, ठीक है, फिर आपको सेंटर में आना। तो बेसिकली ये जब हम करते हैं, जब हमको पावरफुल स्मैश मारना पड़ता है, ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जो हमारा स्मैश का पावर है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है जब हम वहाँ से सीजर जंप करके स्मैश मारते। तो गाइस, यहाँ एक डिसएडवांटेज ये हो जाता है, तो जब मैं ऐसे ऐसे करके यहाँ से सीजर जंप कर लेता हूँ, तो यहाँ अगर आपका अपोनेंट स्मैश उठा देता है तो थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होता है आपको रिसीव करने में, शटल को वापस हिट करने में।
सो गाइस, फुटवर्क इम्प्रूव करने के लिए मैं आपको तीन ड्रिल्स बताता हूँ। सबसे पहले शेडो प्रैक्टिस, या हम इसे स्टेपिंग भी बोल सकते हैं। तो इसमें वही सेम आपको सब कॉर्नर कवर करना और सिक्स कॉर्नर, ठीक है। वे तो गाइस, इसमें आपको बहुत वेरिएशन मिल जाएगा, ठीक है। फ्रंट कॉर्नर फिर डिफेंस, फिर फ्रंट बैक हैंड साइड फ्रंट कॉर्नर फिर डिफेंस, या पीछे के फ्रंट टू कॉर्नर बैक टू कॉर्नर, तो बहुत सारे वेरिएशन आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। सो गाइस, जो मेरा दूसरा प्रैक्टिस है वो शटल रन। आप मैं वहाँ डेमो के लिए तीन शटल रख दिया, वो शटल को आपको हर कॉर्नर में ले जा के रखना है, ठीक है। तो इसमें भी बहुत सारे वेरिएशन आपको दिख जाते हैं, तो मैं आपको एक दिखा देता हूँ। तो गाइज, अभी मैंने आपको तीन ड्रिल्स बताया बैडमिंटन फुटवर्क के, साथ ही साथ आपके पैरों में काफ़ी स्ट्रेंथ होना चाहिए और स्पीड भी होना चाहिए। तो आप स्ट्रेंथ के लिए लोअर बॉडी वर्कआउट जैसे लंजेस, डक वॉक, फ्रॉग जंप, ये सब कर सकते हो, और जिम भी जा सकते हो, जिससे आपके पैरों में काफ़ी स्ट्रेंथ आएगा। साथ ही साथ स्पीड के लिए आपको एजिलिटी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, जिससे आपका स्पीड भी बढ़ेगा। तो गाइज, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आपको कोई भी डाउट है बैडमिंटन से रिलेटेड तो नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें। You say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. You say you